न्यूज टाइम हैदराबाद कि हमारे घर से कोई भी लोग बाहर न जाए, अगर आप और हम मिलकर जिम्मेवारी के साथ अगले 15 दिन कंप्लीट लॉकडाउन को सक्सेसफुल रखेंगे तो मुझे यकीनन ये भरोसा है कि ये वायरस का स्प्रेड बिल्कुल रुक जाएगा। है हमारे हैदराबाद के भाइयों और बहनों, कोरोना से हमारा जंग जारी है। आप और हम इस जंग से लगातार लड़ रहे हैं। आज अगर नजर दुनिया की तरफ करें तो अभी तक 70,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है इस कोरोना से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंटेंसिव केयर यूनिट में इस कोरोना से जूझ रहे हैं। टोक्यो की ओलंपिक शायद अब न हो या अगली तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। 700 से ज्यादा करोड़ लोग 200 से ज्यादा देशों में इस खौफ से डर कर घरों के अंदर बंद हैं। ऐसी स्थिति में, इस माहौल में क्या आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास है? जब पूरी दुनिया इस जंग से हर पल लड़ रही है, ऐसी स्थिति में आपकी एक छोटी सी लापरवाही से यह कोरोना वायरस से जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये जंग और लंबा खिंच जाएगा। मैं उन तमाम बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने घर के बच्चों को, नौजवानों को बाहर न निकलने दें। आज हम लोग हर सड़क पर कुछ न कुछ गैर जिम्मेवार लोगों को बिना किसी वजह के घूमते हुए देख रहे हैं। अगर हैदराबाद शहर में यह इंफेक्शन क्लस्टर का फॉर्मेशन लेगा तो इसका स्वरूप बहुत ही भयावह रहेगा। इसकी जिम्मेवारी आप पर रहेगी अगर आप घर के फैमिली मेंबर्स को घर के अंदर नहीं रख पा रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने ऊपर इस चीज की जिम्मेवारी लें कि हमारे घर से कोई भी लोग बाहर न जाए। अगर आप और हम मिलकर जिम्मेवारी के साथ अगले 15 दिन कंप्लीट लॉकडाउन को सक्सेसफुल रखेंगे तो मुझे यकीनन यह भरोसा है कि यह वायरस का स्प्रेड बिल्कुल रुक जाएगा हैदराबाद में, और उसके बाद हम लोग सब मिलकर हैदराबाद की जो पुरानी हमारी इस शहर की जो शान है, जो चहल पहल है, वो फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन ये 15-20 दिनों में अगर आपने अपनी गलतियों को दोहराया तो ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते, और इतिहास आपको कभी माफी नहीं करेगा कि आपने अपनी लापरवाही के कारण यह वायरस जो एक महीना में खत्म हो जाता, इसको आपने लंबा कर दिया अपने घर के परिवार को बाहर जाने के लिए इजाजत देकर। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस मौके की नजाकत को समझते हुए अपने घर के सभी लोगों को घर के अंदर रखेंगे। हैदराबाद शहर आपसे बहुत मोहब्बत किया है। आपकी जिंदगी में जो भी खुशियां आई हैं, इस शहर के कारण आई है। इस शहर से आपको बहुत कुछ मिला है। अब यह शहर आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसे निराश नहीं कीजिए। यह शहर आपसे कह रहा है कि आप घर के अंदर रहें, बाहर सड़कों पर ना आए। आप इस शहर की इस दरख्वास्त को माने। आप और हम मिलकर हम लोग को इस जंग को जीतना है, और जल्दी जीतना है, और इस जीतने के लिए आपको घर के अंदर रहना होगा। जय हिंद।